दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक गोदरेज कंपनी का गोदरेज चेस्ट डीप फ्रीज़र। इस वीडियो में हम आपको इस डीप फ्रीज़र का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो दिखाएंगे और इसके जो हैंडल हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है ये भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बॉक्स पर यहाँ पर कुछ दोस्तों डिटेल्स दी हुई है जिसको आप पढ़ लेंगे। इसका जो MRP है यहाँ पर 30,490 रुपये लिखा हुआ है। 300 लीटर इसकी जो है कैपेसिटी है। इनपुट पावर 299 वाट और इसका नेट वेट 45 केजी लिखा हुआ है। आप ये सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ लेंगे। बॉक्स में दोस्तों इसका जो रेट लिखा हुआ है MRP काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है। ऑनलाइन ये आपको करीब 22 से 24,000 रुपये मिल जाता है और अगर ऑफलाइन लेंगे तो आप 21 से 22,000 रुपये के बीच में मिल जाता है। हमने यह डीप फ्रीजर दोस्तों ऑफलाइन मार्केट से 21,000 रुपये में ख़रीदा है और ऑनलाइन इसका प्राइस 2 से 3,000 रुपये ज़्यादा है। आप जैसे चाहें आप वैसे ले सकते हैं। आपके एरिया पे जो भी डीलर है उस पर डिपेंड करता है वो आपको कितने का देता है। तो जल्दी से दोस्तों इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कैसा है ये हमारा प्रोडक्ट। बॉक्स इसका दोस्तों हमने हटा दिया है। प्रोडक्ट हमारा अनबॉक्स हो चुका है। देखिए आप व्हाइट कलर का ये हमको मिल जाता है। देखने में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप साइड में ही देख लेंगे और दोस्तों यहाँ पर ऊपर देखेंगे पेंटाकूल टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर दोस्तों इसको डीप फ्रीजर का उपयोग कैसे करना है निर्देशिका, ये एक दिशा निर्देश आपको पढ़ लेना चाहिए। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी ये काफ़ी हेल्प करेंगे इस डीप फ्रीजर को यूज़ करने में। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों। यहाँ साइड पर देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दी है। यह हमारा जो प्रोडक्ट है 3-स्टार रेटिंग के साथ आता है और इसका मॉडल डिटेल्स और इसकी जो है स्टोरेज वॉल्यूम यहाँ पर देखिए 288 लीटर टोटल। ये सब कुछ डिटेल्स है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। साइड में दोस्तों यहाँ पर एक जाली लगी हुई है। अंदर इसमें एक छोटा सा फैन मुझको दिखाई दे रहा है और कंप्रेसर वगैरह जो है यहीं पर होता होगा। यह जो स्टिकर दोस्तों लगा है इसमें लिखा हुआ है यह जो फ्रीजर है हमारा कितना पावर लेता है उसके बारे में लिखा हुआ है। बाइक साइड से दोस्तों देखने में कुछ इस तरह का हमारा फ्रीजर दिखाई देता है, देख सकते हैं आप। दोस्तों फ्रीजर का जो कलर है पूरा हमारा प्योर व्हाइट है पर ऊपर के साइड एक पन्नी येलो कलर की लगी हुई है तो इसका हल्का सा कलर आपको वीडियो में येलो कलर दिखाई दे रहा होगा पर हमारा फ्रीजर प्योर व्हाइट कलर का है। और पूरी बॉडी में दोस्तों आप देखेंगे एक टेक्सचर टाइप का दिया हुआ है, प्लेन नहीं है ये, पूरी बॉडी में एक टेक्सचर टाइप का दिया हुआ है। फ्रंट साइड पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसके खास फीचर्स हैं वो आप देख लेंगे। 5 साइड कूलिंग इसमें आती है और 200 घंटे तक दोस्तों अगर लाइट नहीं रहती है तो भी ये 200 घंटे तक आपकी कूलिंग को रखता है बनाकर। यह इसका एक फीचर बहुत ही अच्छा लगा मुझको। और दोस्तों जो कि इसकी पेंटाकूल टेक्नोलॉजी है 5 साइड से कूलिंग करने की वो दोस्तों बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर दोस्तों इसका मॉडल नंबर H पेंटा लिखा हुआ है और इसकी जो कंप्रेसर की वारंटी है दोस्तों 5 ईयर 100% ग्रीन इको फ्रेंडली कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। और नीचे के साइड दोस्तों इसका कंट्रोलर है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 लाइटें लगी हैं लाल और हरे कलर की और कंप्रेसर कंट्रोलिंग है। इसकी कूलिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कम और ज़्यादा करके। अब दोस्तों इसका हम डोर ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर से। देखिए दोस्तों अंदर से कैसा दिखाई देता है हमारा ये डीप फ्रीज़र। ऊपर साइड से दोस्तों ये हमारा डोर है, कुछ इस तरह से हमारा डोर दिखाई देता है। और अंदर से दोस्तों जो ये उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों इसका कंप्रेसर वगैरह फिट है कॉर्नर में। दूसरा वाला डोर दोस्तों हम ओपन करेंगे। इस साइड पर दोस्तों देखिए दूसरी साइड पर दोस्तों हमें एक जाली मिल जाती है और इसी जाली के अंदर हमें जो भी फ्रीजर की हमारी एक्सेसरीज है वो मिल जाती है। यह फ्रीजर दोस्तों हमारा 300 लीटर में आता है तो इसके अंदर हमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है
और यह जो जाली है दोस्तों आप किसी भी साइड पर रख सकते हैं, लेफ्ट या राइट साइड, आप जिस साइड चाहें उस साइड इस जाली को रख सकते हैं। दोस्तों यह जो एक्सेसरीज है हमारी, इसमें हमको फ्रीजर के हैंडल मिल जाते हैं और इन हैंडल को हमें खुद से लगाना होता है। यहाँ पर आप डोर पर देख रहे होंगे दोस्तों कुछ बोल्ट लगे हुए हैं, इसी जगह पर हमको इस हैंडल को इंस्टॉल करना है, जो कि मैं आपको लगा कर दिखा दूँगा, और इसी हैंडल पर हमारा लॉक भी लगेगा। तो दोनों डोर के हमें दोस्तों दो हैंडल और दो लॉक मिल जाते हैं। और पैकेट के अंदर दोस्तों हमें एक ये यूज़र मैनुअल इसका मिल जाता है, इसको भी आप पढ़ लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें भी मिल जाएगी। और दोस्तों एक छोटा पैकेट है ये, इसमें कुछ बोल्ट और लॉक की वगैरह रखी हुई है। यह देखिए दोस्तों इस पैकेट के अंदर हमारे लॉक हैं, की है, जो हमें हैंडल में इंस्टॉल करना है। इन एक्सेसरीज को दोस्तों कैसे इंस्टॉल करना है, जो हमारा यूज़र मैनुअल है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो आप इसको भी पढ़कर हैंडल को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी मैं दोस्तों आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि आपको इसके हैंडल और लॉक कैसे लगाना है। दोस्तों फ्रीजर में हमारे नीचे के साइड पर आप देखेंगे तो इस तरह के व्हील मिल जाते हैं। यह देखिए, यह जो पहिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे फ्रीजर मिल जाते हैं। इस साइड पर भी देख लीजिए, इस तरह के पहिए हमें फ्रीजर में मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने फ्रीजर को यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत खिसका सकते हैं, अगर आप चाहें उसकी जगह को चेंज करना। अब जो दोस्तों वीडियो आप देख रहे हैं आगे से, वो दो दिन बाद का है। फ्रीजर को हमने चालू कर लिया था, इसकी परफॉर्मेंस भी हमने दो दिन में चेक करी है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, कैसी इसकी कूलिंग है, और आज हम इसमें हैंडल भी इंस्टॉल करेंगे। तो अंदर के साइड आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों कितना स्टॉक हमारा रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यह जो शॉप है, जिस शॉप के लिए यह फ्रीजर आया है, उन्होंने इसमें कितना स्टॉक लगा रखा है कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, आप देख सकते हैं। और अभी भी दोस्तों इसमें काफ़ी जगह है। और दोस्तों इसकी कूलिंग की बात करें तो कूलिंग दोस्तों वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। जब पहले दिन इन्होंने इसको, जो दुकानदार इन्होंने लगाया था फुल करके, तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक थी दोस्तों सारी जम गई थी, सारी में बर्फ़ जम गई थी। जबकि दोस्तों गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, इसके बावजूद कूलिंग इसकी बहुत ही अच्छी हो रही है। इसके बाद दोस्तों इनको जो सेटिंग है, इसकी कंट्रोलर यहाँ पर लगा हुआ है, इसको एक नंबर पर चलाना पड़ रहा है। एक नंबर पर चलाने पर ये एक एवरेज मीडियम कूलिंग कर रहा है, जिससे कि कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ठंडी हो रही है लेकिन बर्फ़ नहीं जम रही है। तो दोस्तों कूलिंग इसकी वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि 5 साइड से ये कूलिंग करता है, जो इसकी पेंटाकूल टेक्नोलॉजी है, इसलिए दोस्तों ये फ्रीजर बहुत ही अच्छा है। तो अब दोस्तों हम इसके जो हैंडल है उनको इंस्टॉल करेंगे। हैंडल और लॉक आपको कैसे लगाना है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, यह जो एक्सेसरीज है, आप शायद सोच रहे होंगे ये किस लिए है, तो मैं बता दूं आपको, यह जो हमारे फ्रीजर में बर्फ़ जम जाता है दोस्तों, उसको निकालने के लिए है। हैंडल दोस्तों इंस्टॉल करने से पहले हमारे फ्रीजर में यह जो बोल्ट लगे हुए हैं, ऊपर के साइड जो दरवाज़ा है, डोर ऊपर के डोर में 4 बोल्ट हैं, और नीचे जहाँ पर लॉक लगना है वहाँ पर 2 बोल्ट हैं। तो इन बोल्टों को हम सबसे पहले खोल लेंगे। सभी बोल्टों को दोस्तों खोलने के बाद हमें जो इस तरह का एक पार्ट मिलता है हमारी जो एक्सेसरीज है उसमें, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको लगा लेंगे। यह देखिए दोस्तों, इस तरह का पार्ट होगा। यह जो दोस्तों हैंडल है आप देख रहे होंगे, ये 2 पार्ट में आता है। यह देखिए, ये इसके ऊपर का भाग है और यह इसका नीचे का भाग है, जो हमें अपने डोर में यानी कि दरवाजे में लगाना है। तो ये हमारा 2 भाग में आता है। और ये हमारा दोस्तों लॉक है, जिसमें हमारी की जो होती है, चाबी, वो इसके अंदर हमारी। तो दोस्तों सेम जैसे मैंने लगाया है, आपको इसी तरीके से लगाना है। इसको हम सामने के साइड से जो लॉक है अंदर के साइड डाल देंगे,
और दोस्तों एक एल टाइप का आपको मिलता है कुंडा। यह जो एल टाइप के आपको कुंडे दिख रहे होंगे, यह कोई भी एक आपको लेके पीछे के साइड से इसमें लगाना है। इस साइड से आपको इसमें चौकोर खांचा बना हुआ है, इसमें आपको लगाना है। इसकी पोजीशन दोस्तों अच्छे से देख लेंगे, जिस पोजीशन में मैं लगा रहा हूँ सेम उसी पोजीशन में आपको भी लगाना है उसी तरीके से। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर एक बांसर लगा देंगे और यह जो बोल्ट है एक, इसको लगाकर आप टाइट कर देंगे। यह जो भी सामान है दोस्तों उसी पैकेट के अंदर आपको मिल जाएगा, मार्केट से कुछ भी नहीं लेना है। इसको हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कोई भी एक की लगाकर हम चेक करेंगे। यह हमारा लॉक देखिए दोस्तों काम कर रहा है, घूम रहा है आसानी से। अब दोस्तों यह जो हैंडल है हम अपने डोर पे लगाएंगे। जो ऊपर के साइड हमारा दरवाज़ा होता है डोर, उस पर हमारे चार बोल्ट लगे होते हैं। उस डोर पे हम इसको लगाकर अच्छे से चारों बोल्टों को टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों यह हमने लगा दिया है और आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। दो बोल्ट आपके इस साइड लगे हुए हैं हैंडल में और दो बोल्ट इस साइड अंदर के साइड लगे हुए हैं। चारों बोल्ट पर लगाकर अच्छे से टाइट कर देंगे और नीचे के साइड दोस्तों ये जो हमारा लॉक है कुंडी टाइप का, इसको लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा लॉक दोस्तों काम करेगा। सेम दोस्तों इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी कस लेना है। और दोस्तों यह जो हमारा हैंडल है इसके जो ऊपर का भाग है, फाइनली दोस्तों अब हम उसको भी लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यह हमारा इसके ऊपर का भाग है, इसमें आपको थ्री लाइनें दिख रही होंगी दोनों साइड, और जो हमारा हैंडल है उस पर भी थ्री लाइन आपको दिख रही होंगी। और साइड में दोस्तों इसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के लॉक हैं जो कि इसको अच्छे से उसमें चिपका देंगे। आपको कुछ भी नहीं लगाना है, इसके ऊपर से कोई भी बोल्ट नहीं लगाना है। बस ये देखिए दोस्तों ऐसे लगा के आप इसको अंदर प्रेस कर देंगे, ताकत से ठोक देंगे और ये हमारा लग गया दोस्तों। तो दोस्तों हैंडल को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। सेम इसी तरीके से हम जो हमारा दूसरा वाला डोर है उसमें भी हम इसको लगा लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा हैंडल इसमें परफेक्टली इंस्टॉल हो जाता है और इसका लॉक कैसे काम करता है वो भी आपने देख लिया है। दोस्तों इस फ्रीजर में हमें और भी साइज मिल जाते हैं। ये हमारा 300 लीटर है, इससे बड़ा भी साइज आता है, इससे छोटा भी साइज आता है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और मार्केट में दोस्तों और भी ब्रांड के फ्रीजर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वोल्टास का फ्रीजर भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बजट के हिसाब से दोस्तों प्राइस रेंज में यह गोदरेज का फ्रीजर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा काम करता है ये। तो दोस्तों ओवरऑल फ्रीजर हमारा बहुत ही अच्छा है, गोदरेज कंपनी का फ्रीजर है, अच्छा ब्रांड है, कूलिंग इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप लोकल के मार्केट से लेंगे आपको 21,000 या 22,000 रुपये में यह मिल जाएगा, ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा है। दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।